हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फूडी स्टॉप। आज हम आलू प्याज के बहुत ही कुरकुरे और मज़ेदार पकौड़े बनाएंगे। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं और सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के आलू को छील के ग्रेट करके ले लिया है, और ग्रेट करने के बाद में जो इसमें मॉइस्चर आता है वो मैंने एज इट इज़ लिया है, उसको स्क्वीज आउट नहीं किया है। और इसके साथ 2 मीडियम साइज की प्याज को मैंने इस तरह से थिनली स्लाइस कर लिया है, और ऐसे इसको मैंने सेपरेट कर लिया, ये देखिए इस तरह से। ऐसा करने से जो पकौड़े हैं वो बहुत कुरकुरे बनते हैं। और इसके साथ 3 टेबलस्पून मैंने धनिया लिया है बारीक कटा हुआ, और 3 हरी मिर्च बारीक काट के लिए हैं, और 5 हीप्ड टीस्पून मैंने बेसन के लिए हैं, और 1.5 टीस्पून चावल का आटा लिया है। चावल के आटे से पकौड़े बहुत कुरकुरे बनते हैं। और 1/4 टीस्पून जीरा लिया है, और 1 हीप्ड टीस्पून खड़ा धनिया लिया है। इन दोनों को मैं कोर्सली ग्राउंड करके पकौड़ों में यूज़ करूंगी, इससे पकौड़ों में बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। और 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है मैंने, और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर खुला तेल कढ़ाई में गर्म होने के लिए मीडियम फ्लेम पर रख दिया है, और ये जो धनिया और जीरा था इसको मैंने इस तरह से दरदरा कूट लिया है। और अब एक लार्ज मिक्सिंग बोल लिया है, इसके अंदर ये जो मैंने ग्रेटेड आलू थे ये डाल दिए हैं, और प्याज भी डाल दिए, और ये हरा धनिया हरी मिर्च ये दोनों भी डाल दिए मैंने, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया है, और सारे मसाले जो थे वो सब भी मैंने ऐड कर लिए हैं। और अब मैंने इसके अंदर 1.5 टीस्पून चावल का आटा मिलाया है। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो जो रेगुलर चावल आप खाते हैं उसको मिक्सर में पीस लें बारीक, और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। चावल के आटे से बहुत कुरकुरे बनते हैं पकौड़े। और अब मैंने इसमें बेसन मिलाया है, मैंने 2 हीप्ड टीस्पून बेसन इसमें डाला है, जितनी ज़रूरत होगी उतना हम डाल लेंगे आगे। और अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी, और जो आलू के अंदर मॉइस्चर था और नमक डालने के बाद में प्याज और धनिया इन सब चीज़ों से जो मॉइस्चर निकलेगा वो इनफ है इसके लिए, इसमें हमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लें, चमचे से ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता इसलिए आपको हाथ से ही मिक्स करना पड़ेगा। और जब ये अच्छे से बाइंड होने लगे, कंबाइन होने लगे, तब हम बेसन डालना बंद कर देंगे और पकौड़े का बैटर तैयार हो जाएगा फिर। तो अभी मुझे लगा है कि ये अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा, तो मैंने इसके अंदर बेसन और मिलाया है। तो ये देखिए मैंने इसमें 2 टीस्पून भर के बेसन और डाले हैं, और अभी भी ये पकौड़ों का शेप नहीं ले रहा था तो मैंने आधा टीस्पून बेसन और मिलाया। तो टोटल 4.5 टीस्पून बेसन इसमें मिलाया है, और बैटर तैयार है। तो अब तेल को भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने एक प्याज का टुकड़ा डाला है, तो ये देखिए इस तरह से ऊपर फ्राई होके आ रहा है, इसका मतलब तेल बिल्कुल तैयार है। तो अब मैंने इसके अंदर पकौड़ों को फ्राई करने के लिए जो बैटर था वो डालना शुरू कर दिया है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने डाल दिए पकौड़े, जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से, और इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे हम 5-6 मिनट तक, या जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते एक साइड से। तो ये देखिए एक साइड से ये गोल्डन होने लगे, तो मैंने इनको फ्लिप कर दिया है फोर्क से, और इसको दूसरी तरफ से भी फ्राई करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक खास टिप दे रही हूँ, अगर आप चाहते हैं कि पकौड़े कुरकुरे रहें काफ़ी लंबे वक्त तक, तो आप एक छन्नी पर इनको निकालें, पेपर टॉवल पर ना निकालें, क्योंकि पेपर टॉवल पर आप जब निकालते हैं पकौड़े तो उनकी जो स्टीम होती है उससे वो सॉगी हो जाते हैं। तो आप उसको अगर छन्नी पर निकालेंगे तो पकौड़े ठंडे होने के बाद भी कुरकुरे बने रहेंगे। तो अब ये पकौड़े फ्राई हो गए हैं अच्छे से, तो मैंने इसको छन्नी पर निकाल लिया, और नीचे एक बोल रखा है ताकि जो एक्सेस ऑयल हो वो उसमें आ जाए। तो इस तरह से मैंने इसमें रखा है, और थोड़ा सा ऑयल इसका एक्सेस ड्रेन आउट हो जाए, 1 मिनट तक छोड़ दिया है मैंने, और उसके बाद मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए पकौड़े बन के बिल्कुल तैयार हैं, और बहुत ही कुरकुरे पकौड़े बने हैं। और मैंने इसको टोमेटो केचप और धनिया टमाटर हरी मिर्च लहसुन वाली चटनी के साथ सर्व किया है। तो आप भी पकौड़े बनाएं इसी तरह से, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।